भैया ये दमियान कौन है? हाँ बोल, इसके बारे में मैंने भी सुना। भैया कोई जादूगर है क्या? हाँ बोल, इसके बारे में मैंने भी सुना है। ये बहुत बड़ा जादूगर है और ये बहुत पैस में रहता है। हाँ भैया। अच्छा ये सब बात छोड़। चलिए भैया नमाज का वक्त हो गया है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला दमियान दमियान तुम दोनों भाइयों भाइयों मिलकर ही मार ही मार इस सफर में तुम लोगों में से किसी में एक की मौत भी होगी। ये जान जी जान जी इस सफर सफर बहुत बहुत बारीकी से समझ के तुम लोगों को चल रहा है। उसे कैसे मारेंगे? मैं तो उसे जानता भी नहीं। वो सब तुम्हें पता चल जाएगा इस सफर में चलते चलते, पर इस सफर को बहुत बारीकी और महीन तरीके से तुमको पूरी करनी है। तब तुम दोनों में से कोई एक बच सकता है।
भैया आपने मुझे क्यों नहीं उठाया है? अच्छा चलो अपना काम। नहीं भैया ये आम बात नहीं है, कुछ बड़ी बातें खुदा ने हमें बताना चाहा है। हाँ मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है खुदा ने कुछ हमें कहना चाहा है। क्या? भैया जिसने हमें जादू का इल्म दिया वही उस्ताद है जो दरमियान के बारे में बता सकते हैं। हाँ अबुल कल हम उस्ताद के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तुम और बच्चों यहाँ कैसे आए हो तुम लोग और सब कोई तुम्हारे घर पे ठीक है? उस्ताद वो ठीक है, आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है नशरुद्दीन, तुम कुछ परेशान लग रहे हो थोड़ा। जी हाँ उस्ताद कुछ ऐसी बात है। जो भी तुम लोगों ने देखा वो सच देखा है क्योंकि दमयान को मैंने तुम लोगों के साथ ही तालीम दी थी। दमयान जो मेरे साथ बचपन में खेलता था बहुत मजेदार था, पढ़ाई में बहुत अव्वल था। हाँ अबुल और नशरुद्दीन, दमयान वो सितारा है जो इस दुनिया को गर्दिश में डाल सकता है। नशरुद्दीन और अबुल ना वो किसी वार से मरेगा ना वो किसी हथियार से मरेगा। इसे मारने के लिए कोई तो नहीं छोड़ेगा? इसे ना कोई हरा सकता ना इसे कोई मार सकता, सिर्फ इसकी जान चार गुड़ियों में और इसके पास भी नहीं इसकी जान। पर क्यों उस्ताद? दमयान ये हमेशा सोचता था कि मेरी जान को मारने के लिए कोई ना कोई इस दुनिया में जरूर से आएगा, इसलिए उसने ये काम किया कि अपनी जान को गुड़ियों में बसा दिया। कुछ मेरे मुफगीर हैं उसके महल में और मैं पता करवाऊंगा कि वो कहाँ कहाँ है। चलो तुम लोग कुछ दिन समय दो मुझे। जी उस्ताद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है बैरम? हाँ ठीक है हम मकसूद। अरे बैरम सुना है मैंने कि दमयान लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। हाँ मकसूद उसने हमारा जीना हराम किया है। वो तो शुरू से ऐसा ही था। क्या हुआ कुछ बात है क्या? अच्छा बैरम सुनो, दमयान को मारने का कोई तो तरीका होगा। अरे मकसूद तुमने ही ना उसे इल्म दिया था। हाँ बैरम। हाँ मकसूद तुम नहीं जानते कि वो इंसान नहीं है। सच में? हाँ सच में वो इंसान नहीं है, उसने अपनी जान चारों गुड़ियों के अंदर छोड़ के रखा है और उसने उन चारों गुड़ियों को जंगल में छोड़ के रखा है। सच में? अच्छा चलता हूँ सुबह होने वाली।
जी आका बोलिए। वो कौन शख्स है कि जिसने मेरी मुफगीरी की है? वजीर, वो जल्दी पकड़ा जाना चाहिए, नहीं तो इस मुल्क में कफन की कमी पड़ जाएगी। जी आका। ऐसा लग रहा है कि दमयान को मेरे ऊपर शक हो गया है। कैसे? तुम्हारे ऊपर उसको कैसे शक हो गया? अब हम लोग लग रहा है बचेंगे नहीं, हम लोगों को यहाँ से हट ही जाना चाहिए। ऐसा करो बैरन, आज ही हम लोग इसराइल के लिए रवाना हो जाते हैं, नहीं तो वो हम लोग को मार देगा। अब वो जान चुका है बढ़िया से। मुझे मालूम था कि तुमने ही मेरी मुखगिरी की, रात में ही मुझे तुम्हारे ऊपर शक था। और आप उस्ताद, आप तो मुझे इल्म देने वाले हैं और आपने मेरी मुखगिरी कराई। दमयान, तू अल्लाह से नहीं डरता है क्या? अल्लाह से डर, तू डर रहा है ना, एक दिन तेरे ऊपर बहुत बुरा असर होगा। मेरे उस्ताद, आप मुझसे डरते नहीं है क्या? आप जिससे भी डरते हैं मैं उसी के पास आपको भेज रहा हूँ, आपके प्यारे खुदा के पास आपको भेज रहा हूँ। भैया, मुझे तो एक दिन मरना ही था और आज मर जाऊंगा, मुझे कोई खौफ नहीं है इस चीज का। पर तू जान जा, तेरे साथ बहुत बुरा असर जो तेरे साथ होने वाला है ना, अब वो जो होगा ना, तुझे भनक का हक नहीं है। अब मुझे मरना ही है, आज ही मर जाऊं, इसमें मुझे कोई खौफ नहीं। Oh!
आदमी पर वार करें। हमें ये कभी भी नहीं सिखाया गया है कि किसी की इबादत को खराब करें। तुम लोग आ गए, तुम मुझे किताब दे दो। तुम लोगों ने मुझे आम समझा है। हमने कब कहा कि तुम आम हो? आम समझना भी नहीं मुझे। Yoruldum, kederim dağdan
क्यों कर रहे थे? सीधी भाषा में बोलूं, किताब मुझे दे दो। ये मामूली समझ रखा है। तुम तो एक जर्रा हो, तुम्हें यूं ही मार सकता हूँ। तुम लोग मुझे किताब दे दो। तो हो जाए। तो हो जाए। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम अपने आप को बहुत बड़ा मसीहा समझते हो ना? बता देता हूँ, वो किताब मुझे दे देना, बहुत बुरा होगा। तुम्हें अपने आप पे इतना घमंड है क्या? हाँ है, वो किताब मैं ही लिख जाऊंगा।
मार दिया हूँ, तुझे भी मारूंगा। इतना आसान है क्या मुझे मारना? दमयान एक नापाक नापाक जिसको मारना आसान नहीं था, उसे मारने के लिए हिंद के गहरे जंगलों में तुम्हें जाना पड़ेगा। उन जंगलों में एक गुफा है जिसमें एक तलवार है, उस तलवार से ही दमयान को मारा जा सकता है। दमयान का मारने का यही तरीका है? दमयान खुजा से डर? मैं क्यों उससे डरूं? मैं किसी से नहीं डरता हूं। तुमने ही मेरे भाई को मारा है। हाँ, मैंने ही तेरे भाई को मारा। क्या कर लूं?
मेरी धड़कन धड़कन तुम हो, मेरा दोनों जहां अब तुम हो। मेरी धड़कन धड़कन तुम हो, मेरा दोनों जहां अब तुम हो। मेरा अल्लाह ईश्वर तुम हो, मेरा प्यार मोहब्बत तुम हो। तुम हो, तुम हो जिंदगानी, जिंदगानी। तुम हो जिंदगानी, जिंदगानी। दिल को धड़कना तुमने सिखाया, मोहब्बत क्या होती है तुमने बताया। मैं तो सिर्फ पत्थर था दुनिया की आंखों में, तुम्हारी निगाहों ने इंसान बना। तुम ही फसाना मेरा, तुम ही हो कहानी। तुम ही फसाना मेरा, तुम ही हो कहानी।